गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह से उठ करके और हम आज सोए थे बाहर करकट में, जो कि यहाँ का वहाँ पे सोने को ऐसा नहीं मिलता है। तो हम भी सुबह सुबह उठ करके ऐसे ही मनोरंजन कर रहे थे, गांव के बगल घर के बगल के बच्चा आ गए थे, उसे खिला रहे थे, तब मनोरंजन कर रहे थे। तभी तभी सुबह आया। इसके पहले भी हमने आपको बता रखा था कि हमारा ट्यूबवेल का मोटर ख़राब हो चुका था, उसे खुलवाने के लिए मिस्त्री आया था, तो उसे खुलवा करके हमने भिजवाया उसे। गुड मॉर्निंग, तो आज सुबह सुबह आए और हमें क्या करना पड़ा, जैसा कि आपने देखा मोटर जो हमारा था जल गया था ना, जो बता रहे थे जल गया भाई, पूरी तरह से उसके कॉइल भी जल गए हैं। तो उसे खोल करके लेके गए, आए थे मिस्त्री, मतलब जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो आए थे और लेकर के गए वो बनाने के लिए। 2 दिन कहे हैं, 2 दिन में बन जाएगा। और हम यहाँ पर हैं, हो रही थी हल्की हल्की बारिश, देखो हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। और हम यहाँ पर हैं, हमें एक और पार्सल आने वाला है आज। जैसा कि पार्सल आप लोग सोचते हो, बार बार पार्सल क्यों कहता हूँ भाई, एक पार्सल मंगा रहा हूँ जो अपनी माता जी को गिफ्ट में देने वाला हूँ। वो क्या है, सरप्राइज क्या है, क्या चीज़ है, वो आपको पता चलेगा, कुछ अलग ही है। क्योंकि वो अब समझ जाओ ना, आपको हम बता देते हैं, क्योंकि जब तक ये चढ़ाएंगे तब तक तो हो जाएगा। वो स्मार्टफोन नहीं चला पाती, वो कीपैड चलाती हैं, तो कीपैड में हम उनको 4G देना चाहते हैं, क्योंकि 4G फोन रहेगा तो उसमें वो थोड़ा छोटा सा स्क्रीन में देख भी सकती हैं और उन्हें यूज करने में भी आसानी रहेगी। तो और बाकी सब आप हमारा घर तो देख ही सकते हैं, ट्यूबवेल है। चलिए इतना ही, पार्सल लेने चलते हैं, फ़ोन आया था अभी, अब लेने चलते हैं कुछ देर बाद, तो रुक करके अभी वो दूर यहाँ से हैं 5 किलोमीटर, तो वो आ जाते हैं तो फ़ोन करते हैं, तब चलते हैं। दोबारा कोरियर वाले भैया का फ़ोन आया और हम फटफट करते हुए, मतलब फटाफट घूर देते हुए चले आए पार्सल लेने के लिए। तो भाई हमारे पास भी एक्साइटमेंट हो रही थी और हम आकर के उनसे ओपन बॉक्स डिलीवरी लेना था, तो ओपन बॉक्स डिलीवरी हमने ले लिया। तो आप भी देखिए क्या है सरप्राइज, क्योंकि यहाँ पे ही रिवील होती है। तो ये रहा उसके अंदर बॉक्स, आईटेल मैजिक एक्स प्रो करके है ना, जो 4G सिम सपोर्ट करती है। तो यही हम देने वाले थे, तो ज़्यादा कोई सरप्राइज नहीं थी, पार्सल था। तो हमने यहाँ से इनसे सारी फैसिलिटी पूरी करने के बाद ले लिया पार्सल और चले आए खाद लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर हम पार्सल लेकर के आ गए हैं। जैसे पार्सल का आपने वीडियो देखा, पार्सल ये रहा हमारा, जिसमें हमें मिला ये बॉक्स। बॉक्स के अंदर हमें मिला 2 चीज़ें, ये बॉक्स आप देख सकते हैं, और इसके अंदर हमें मिली ये फ़ोन जो कुछ ऐसा है। ओवरऑल अगर इसका इंटरफेस की बात करें तो गुड ही है, अब ये चले अच्छा। तो इसके पहले हमने जियो का फ़ोन दिया था, तो जियो का फ़ोन चला नहीं अच्छा, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आनी, बैटरी का स्टार्ट करना, हीटिंग होना। तो जियो फ़ोन होता तो जो उसका ये चार्जर दिया। चार्जर का अगर हम बात करें, आउटपुट है 500 mAh माइक्रो एम्पियर, ये देखो ये इसका रहा, जो नॉर्मल पहले आता था वही है चार्जर। तो चार्जर ऑल गुड है, बस चार्ज होना चाहिए। इसके साथ हमें ये डिस्क्रिप्शन दिया, हमारा नाम एड्रेस वड्रेस लिखा हुआ, और इसके साथ ही वारंटी कार्ड के हिसाब से हमें रिसिप्ट बना के दिया, जो कि इतनी बड़ी है, जो कि जिसमें हमारी पूरी डिटेल लिखी हुई है, तो हम इसे रिवील तो नहीं कर सकते। तो हाँ, आज का ये रहा दिनचर्या, आप चलते हैं घर, उनको देते हैं, सिम लगाते हैं, देखते हैं कैसा चलता है। अब उसका अनुभव तो भी तो करें, इसे पैक करते हैं, चलते हैं और लेकर के आना पड़ा। इतना पसीना हो रहा है इसलिए क्योंकि खाद लेकर के आए ना, खाद यानी कि खाद, यूरिया लेकर के आए, यूरिया को हम लोग खाद कहते हैं। तो यूरिया लेकर के आए, यूरिया यहाँ पे रख दिया हूँ, 8 बोरा लेकर के आया, मतलब छींटने के लिए। तो हाँ भाई, तो छींटने के लिए यूरिया लेकर के आया हूँ, तो अब चलता हूँ घर। यूरिया तो अंदर ही है, अगर आप कहिए तो दिखा दे भाई, दिखा देते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पर रखी हुई है 8 बोरा यूरिया। तो अभी हमें सुपर लेकर के आना है, उसके बाद छिड़काव करना, कल हमें दवा भी छिड़काना है ना घास जलने की, क्योंकि घास बहुत ज़्यादा हो गई खेत में। फ़ोन धरते हैं, चलते हैं घर, सरप्राइज देते हैं। उसके बाद हमें फ़ोन आ गया मिश्रा जी का, हमें जाना था तरौलिया काम के लिए, तो उनके साथ जाना था। तो हमने गाड़ी पे बैठे और चले गए, और वहाँ पे घूमने के बाद ब्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि मीटिंग चल रही थी, तो मीटिंग के समय ब्लॉग नहीं बना पाए। रास्ते में आते हुए भी मीटिंग चल रही थी, जब बंद हुआ तो हमने कहा ब्लॉग शूट कर रहे थे रास्ते का, ढेर कुछ नहीं तो रास्ते का ही कम से कम ब्लॉग वो शूट हो जाए। तो रास्ते में शूट करते हुए हम चले आए घर की तरफ,
मस्ती करते हुए, हवा लग रहा था, एंजॉय करते हुए, नेचर का भी लुत्फ़ उठाते हुए। तरौलिया गया, तरौलिया से आ गए और अब आ गए हैं ट्यूबल पर। ये देखिए पीछे पड़ी घास, ग्रास जो मछलियाँ खा रही हैं, मज़े कर रही हैं भाई वो भी। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, क्योंकि अब हमें जाना है बिग बॉस देखने। एक एपिसोड नहीं देखा भाई, दो दिन से इतना स्ट्रगल कर रहा था इधर उधर का काम, कि कहने वाली बात का दोपहर को भी देखा था आज। तो अब जा रहे हैं बैठ करके पूरा एपिसोड देखेंगे बिग बॉस का। तो आप भी सिस्टम हैंग करते रहिए भाई, सिस्टम था भाई, सिस्टम हैंग करिए और हम भी चलते हैं थोड़ा आराम। ये देखिए हमारे ट्यूबल का नजारा, तो ब्लॉग आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे।